फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक सॉयल एंड देयर मैनेजमेंट का वीडियो का पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने 25 क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया था और ये सेकेंड पार्ट है, इसमें भी 25 क्वेश्चन 26 से 50 तक डिस्क्राइब करूँगा। और ये भी वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए। वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबा तो नहीं होगा, 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। और लास्ट में वीडियो के आपको स्क्रीन पर दो वीडियो दिखेंगे, वो भी वीडियो आप देखिएगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपके आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी वीडियो में। तो चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है वो आपको बताना रहेगा इसमें। तो इसमें ऑप्शन है 8.5 से कम, सेकंड ऑप्शन 8.5 से ज़्यादा, और थर्ड ऑप्शन कहता है 7 से कम, और डी ऑप्शन कहता है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, 8.5 से अधिक जो होता है वो क्षारीय मिट्टी का पीएच होता है। तो राइट आंसर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अम्लता को मापा जाता है। तो अम्लता को किसके संदर्भ में मापा जाएगा, तो राइट आंसर इसमें कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन ए कहता है सोडियम अधिशोषण अनुपात, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है पीएच, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है विनिमयशील विनिमय सोडियम परसेंट, और डी ऑप्शन कहता है विद्युत चालकता। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका जो इसमें बी वाला है, पीएच इससे आपका मापा जाता है, तो राइट आंसर पीएच हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्षार मिट्टी को क्या कहते हैं, तो क्षारीय मिट्टी को आपको क्या कहेंगे? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसमें क्षार मिट्टी को काला क्षार कहते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लवणीय मृदा को क्या कहते हैं, तो लवणीय मृदा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कहता है उसारी, ऑप्शन बी कहता है सोलेटज, और ऑप्शन सी कहता है रेह, और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, सोलेंटज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय मिट्टी में नहीं पाया जाता है। तो कौन अम्लीय मिट्टी में इसमें से नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए कहता है कैल्शियम, ऑप्शन बी कहता है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कहता है आयरन, और ऑप्शन डी कहता है कॉपर। तो इसमें पूछता है अम्लीय मिट्टी में कौन नहीं पाया जाता है। तो अम्लीय मिट्टी में जो कैल्शियम होता है वो अम्लीय मिट्टी में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका ए वाला राइट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से सल्फेट अम्लीय मिट्टी में पाया जाता है। तो सल्फेट अम्लीय मिट्टी में कौन पाया जाता है? तो ऑप्शन इसमें ए आता है पायराइट, ऑप्शन बी आता है तांबा, ऑप्शन सी आता है एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी आता है मैग्नीज, तो मैग्नीशियम। तो ऑप्शन राइट इसमें जो है ए वाला रहेगा, पायराइट जो होता है वो सल्फेट मिट्टी में पाया जाता है, तो राइट आंसर पायराइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग मृदा सुधार के लिए किया जाता है। तो मृदा सुधार के लिए आपको प्रयोग करना है, तो इसमें ऑप्शन है जिप्सम, ऑप्शन बी आता है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी आता है फास्फोरिक एसिड, और ऑप्शन डी आता है ऑक्जेलिक एसिड। तो राइट आंसर मृदा सुधार के लिए आप जिप्सम का प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर आपका जिप्सम हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भूमि क्षमता वर्गीकरण में खेती के लिए उपयुक्त भूमि वर्ग है। तो भूमि क्षमता वर्गीकरण में जो खेती की जाती है उसके लिए कौन सा वर्ग दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए कहता है पहला और तीसरा, ऑप्शन बी कहता है पहला और चौथा, ऑप्शन सी कहता है फर्स्ट और फिफ्थ, और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर जो आपका रहने वाला है वो बी वाला फर्स्ट और फोर्थ रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूमि क्षमता वर्ग फर्स्ट को मानचित्र पर डैश रंग से दिखाया जाता है। तो किस रंग से दिखाया जाता है भूमि क्षमता वर्ग फर्स्ट को, किस पर? मैप पर। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन दिया है गुलाबी, ऑप्शन बी दिया है हरा, और ऑप्शन सी दिया है पीले, और ऑप्शन डी दिया है भूरे। तो किस रंग से प्रदर्शित किया गया है? तो इसमें राइट आंसर आपका जो है वो हरा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, हरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीआईएस
डैश को संदर्भित करता है, तो जीआईएस किसको संदर्भित करता है, तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो इसमें पहला दिया है भूगर्भिक सूचना प्रणाली, नेक्स्ट आता है भूगर्भीय सूचना प्रणाली, सी ऑप्शन आता है भौगोलिक सूचना प्रणाली, और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भौगोलिक सूचना प्रणाली। और आपको दोस्तों बता दूं कि आप लोगों ने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है, आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले साल भी वीडियो इसी चैनल से आपको प्रोवाइड होएगी। और आपको बता दूं कि आप लोग अभी तक यदि मेरे WhatsApp चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो को आपका नंबर मैं लिख रहा हूं WhatsApp नंबर अपना, तो वहां से भी आप ऐड हो सकते हैं, अपना नाम लिखकर मुझे WhatsApp करेंगे और आपको लिंक प्राप्त होगा। आप लिंक पर क्लिक करके जिस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिस सेमेस्टर से, तो उसमें जुड़ जाएंगे। तो नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 94-58-70-34-76। तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप अपना नाम लिखकर मुझे WhatsApp करेंगे और आप ग्रुप से ऐड हो जाएंगे, लिंक आपको मिल जाएगा। तो और किसी को भी मैं बोलता रहता हूँ कि कॉल ना करें, क्योंकि कॉल के लिए मेरे पास समय नहीं रहता है, मैं मैसेज के रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन कुछ बॉयज मेरे पास कॉल करते रहते हैं, तो कॉल प्लीज़ ना कीजिए, जिसको जिससे मुझे बात करनी होगी मैं खुद ही मैसेज कर दूँगा। तो चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लवण प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल लगभग मिलियन हेक्टेयर है, तो लवण प्रभावित मिलियन हेक्टेयर कितना क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन इसमें ए दिया है 1.105, बी ऑप्शन है 1.295, सी ऑप्शन आता है 1.45, और डी ऑप्शन आता है 0.95। तो कितना जो है वो लवण प्रभावित क्षेत्रफल है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, 1.295, तो राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट आता है 37 क्वेश्चन है कि नहर के किनारे की मिट्टी बन जाती है, तो नहर की किनारे की मिट्टी कैसी बन जाती है। ऑप्शन आता है ए वाला अम्लीय मिट्टी, बी ऑप्शन आता है क्षारीय मिट्टी, सी ऑप्शन आता है ककरीली मिट्टी, और डी ऑप्शन आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अम्लीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन लवणीय क्षारीय मृदा से संबंधित है, तो लवणीय क्षारीय मृदा से कौन संबंधित है। तो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया है ग्रेटर देन 4 जो ईसी होता है, ईएसपी जो होता है ग्रेटर देन 15 होगी, और पीएच जो है लोअर देन 8.5। बी ऑप्शन आता है ग्रेटर देन 4 ईसी हो जाएगा, और ईएसपी जो होता है लोअर देन 15 होगा, और पीएच लोअर देन 8.5 हो जाएगा, और सी ऑप्शन आता है लोअर देन 4 ईसी, और ईएसपी जो है ग्रेटर देन 15, और पीएच जो है लोअर देन 8.5, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें कौन सा रहेगा, तो राइट आंसर इसमें ए वाला हो जाएगा, कौन सा, ए वाला। इसमें ईसी जो है ग्रेटर देन 4 रहेगी, ईएसपी जो होती है वो ग्रेटर देन 15 रहेगी, और पीएच जो है वो लोअर देन 8.5 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लवण सहिष्णु फसलें हैं, तो लवण सहिष्णु फसलें कौन सी हैं, साल्ट टॉलरेंट क्रॉप पूछ रहा है इसमें, तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो इसमें ऑप्शन ए आता है चना और मटर, बी ऑप्शन आता है मूंगफली और मूंग, सी ऑप्शन आता है जौ और कपास, और उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आता है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा जौ और कपास, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट आता है ऑप्शन क्वेश्चन 40 आता है, सोडिक मतलब क्षारीय मिट्टी की विशेषता है, तो क्या विशेषता होती है। तो ऑप्शन ए कहता है उच्च विनिमय सोडियम और उच्च पीएच, बी ऑप्शन आता है कम विनिमय सोडियम और उच्च पीएच, सी ऑप्शन आता है उच्च विनिमय सोडियम और कम पीएच, और डी ऑप्शन आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, उच्च विनिमय सोडियम और उच्च पीएच जो होता है ये क्षारीय मिट्टी की विशेषता होती है, तो यही विशेषता है, राइट आंसर ए रहेगा आपका। और 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस एक फसल से मृदा की क्षारीयता में सर्वाधिक कमी आती है,
तो सर्वाधिक कमी जो आती है वो ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिट्टी की हाइड्रोलिक चालकता बहुत कम है, तो बहुत कम किसकी है? तो ऑप्शन इसमें चार दिए हुए हैं, क्षारीय मिट्टी के संदर्भ में, लवणीय मिट्टी के संदर्भ में, कंकरीली मिट्टी के संदर्भ में और पीट मिट्टी के संदर्भ में। तो मिट्टी की हाइड्रोलिक चालकता बहुत कम है, किसकी कम है? तो राइट आंसर इसमें ए वाला रहेगा, क्षारीय मिट्टी के संदर्भ में। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के सुधार के लिए चूने का उपयोग किया जाता है? तो चूने का उपयोग जो है वो आपका अम्लीय मिट्टी के लिए किया जाता है, तो चूने का उपयोग अम्लीय मिट्टी, और क्षारीय मिट्टी के लिए जिप्सम और पाइडाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है, चूने की आवश्यकता शब्द का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका सोमेकर इत्यादि होगा, तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, बायोरेमेडिएशन प्रक्रिया किस जिसमें प्रदूषकों को कम करने के लिए पौधे का उपयोग शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन ए आता है खाद, बायोपाइल, ऑप्शन सी आता है फाइटोमेडिएशन, और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका जो होता है वो सी वाला हो जाएगा, फाइटोमेडिएशन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 46 नंबर, औद्योगिक विषैले कचरे को गैर विषैले यौगिक में बदलने के लिए रोगाणुओं का उपयोग करने वाली प्रक्रिया, तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा? तो इसमें ऑप्शन है वर्षण, ऑप्शन बी आता है पूरक निर्धारण, ऑप्शन सी आता है जैव रूपांतरण और ऑप्शन डी आता है जैविक उपचार। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, जैविक उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा बायोरेमेडिएशन के लिए तापमान की बेहतर सीमा क्या है? तो कौन सी बेहतर सीमा है? तो इसमें ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको दोस्तों बता दूं कि आप लोग अभी तक यदि मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी मेरे ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, और आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर पॉइंट, और उस पर एग्रीकल्चर पॉइंट चैनल का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा जो बैंगनी कलर में लिखा होगा एग्रीकल्चर पॉइंट, तो वही मेरा व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल है। तो चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्राप्त मृदा निष्कर्ष को लवणीयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसमें विद्युत चालकता होती है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 DSM-1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमित सामग्री का तटस्थ मूल्य ऐसा है कि, तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा 49 का होगा? तो 49 का राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, CaO ग्रेटर देन CaO का होल ट्वाइस ग्रेटर देन CaMg ब्रैकेट में CO3 का होल ट्वाइस और ग्रेटर देन CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उच्च पीएच वाली मिट्टी में सामान्यतः कमी होती है, तो सामान्यतः कमी किसकी होती है? तो इसमें राइट आंसर जिंक और मैग्नीज की कमी होती है, तो यही राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। और आपको दोस्तों स्क्रीन पर वीडियो दिख रहे हैं, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।